हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल 28th ऑफ जून को सीजी का रिज़ल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था उनकी रैंक आ चुकी है। अगर आप इस बार की सीजी की रैंक लिस्ट देखोगे तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई गई है। लेकिन एक चीज़ जो मेरिट में हाईलाइट हो रही है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों ने बाहर से अप्लाई किया जिनके पास डोमिसाइल नहीं है। अगर आप देखोगे तो रेड कलर से उसे वो अलग से हाईलाइट कर रहा है जिनके पास डोमिसाइल नहीं है। अदरवाइज़ मैंने एक जनरल जस्ट यहाँ पे बना रखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो फर्स्ट रैंक है उसके मार्क्स 653 है। देन 100 रैंक जिसकी आ रही है उसके मार्क्स 568 है, 85 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। 200 551 है, 17 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। फर्दर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं 100 200 300 400 एंड 500 रैंक पे, तो जो मार्क्स का डिफरेंस है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। 400 से 500 के मार्क्स में अगर आप देखोगे तो जिसकी 400 जिसके रैंक आ रही है उसके मार्क्स 528 हैं और जिसकी 500 रैंक आ रही है उसके मार्क्स 520 हैं। तो जो मार्क्स का डिफरेंस है वो केवल 8 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। इनका क्या क्राइटेरिया है ये देखना पड़ेगा कि इतने कम मार्क्स के बेसिस पे 100 रैंक का सीधे डिफरेंस आ रहा। और जो 500 मार्क्स ला रहा है इस बार, अगर आप देखोगे तो मैंने 500 तक लिखा है, अगर आप 700 रैंक तक जाओगे तो 500 मार्क्स में 700 रैंक उसे आ रही है। तो जो मार्क्स का डिफरेंस है, बहुत कम मार्क्स डिफरेंस में ही आपको 100 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इस बार ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने बाहर से अप्लाई कर रखा है, तो जब तक कॉलेज अलॉट नहीं होगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक ये क्लियर कह पाना मुश्किल है कि कब तक, कहाँ तक, किस रैंक तक सीट अलॉट होगी। फिर भी मुझे लगता है कि 500 तक तो सेफ रहना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। जिन्हें ऑल इंडिया से सीट मिली है वो सीट वैकेंट करेंगे। दूसरी चीज़, जो आउटसाइडर्स हैं वो हटेंगे, तो और जिनका जो कोटा है ओबीसी का या एससी का या एसटी का वो अपने रिजर्वेशन के थ्रू लेंगे। तो जनरल को मेरे हिसाब से 500 तक तो मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बार कह पाना मुश्किल है कि कहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप देखोगे तो सीटें भी इंक्रीज़ हुई हैं, 150 रायपुर में थी, 30 इंक्रीज़ होकर के 180 हो गई हैं। बिलासपुर में 150 थी, 30 इंक्रीज़ होकर के 180 हो गई हैं। राजनंदगांव 100 थी, 25 इंक्रीज़ होकर के 125। जगदलपुर 125 इंक्रीज़ होकर के 125। और रायगढ़ में 10 इंक्रीज़ होकर के 60 हो गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार से EWS कोटा इम्प्लीमेंट किया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जिससे सीटें 120 इंक्रीज़ हुई हैं। 550 जो गवर्नमेंट सीट्स थी अभी वो इंक्रीज़ होकर के 670 हो चुकी हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, उसका फ़ायदा तो हमें मिलेगा। ये ज़रूर है कि अंबिकापुर इस बार जीरो ईयर हो गया, ये हमारे लिए ड्रॉबैक है। प्राइवेट में आपको मालूम है भिलाई में संकरा है और रायपुर में रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। 150 सीट्स मतलब 300, पहले जो 850 थी अभी वो इंक्रीज़ होकर के 970 हो चुकी है। तो अंबिकापुर के अलावा और एक भिलाई का एक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है चंदूलाल चंद्राकर, वहाँ भी इस बार जीरो ईयर है। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा कम सीटें हो गई हैं, लेकिन अगर हम लोग और चीज़ें देखें तो सीट मैट्रिक्स इस बार बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर्स लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी 500 तक लग रहा कि सीट अलॉट हो जानी चाहिए। जो छत्तीसगढ़ की यूजी की काउंसलिंग हो रही है और इसमें MBBS, BDS और फिजियोथेरेपी के लिए सीटें अलॉट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट मार्क्स। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। बार बार बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर, जो दूसरे स्टेट के लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें सीट अलॉट हो जाएगी क्या? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 85% सीट हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए हैं। 85% पे हमारे स्टेट का डोमिसाइल है, तो अगर आपके पास डोमिसाइल है इस स्टेट का तो आपको ही सीट अलॉट होगी, टेंशन की बात नहीं है। और प्राइवेट में ज़रूर है कि 50% गवर्नमेंट कोटा से और 50% मैनेजमेंट कोटा से मिलती हैं। प्राइवेट की जो सीटें हैं 50% आपको गवर्नमेंट कोटे से मिलेंगी और 50% मैनेजमेंट कोटे से मिलेंगी। ये रिजर्वेशन देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। एसटी के लिए 32% है, एससी के लिए 12% है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 14% है। नॉन क्रीमी लेयर मतलब जिनकी पर एनम की इनकम 8 लाख से कम है, फीमेल का 30% रिजर्वेशन है। और EWS का इस बार से एक नई लिस्ट भी उन्होंने डिक्लेयर करी जिसमें 10% वो रिजर्वेशन दे रहा है। तो जब ये सीट अलॉट होंगी, कॉलेज अलॉट होंगे, तभी ये क्लियर होगा कि कहाँ तक मिल रहा। अभी कोई बहुत ज़्यादा वरी होने की बात नहीं है, टेंशन करने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से अभी भी जनरल को 500 तक तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अगर मैंने काउंट किया है अप टू 500 में लगभग 200 से ऊपर लोग हैं जो जिनके पास डोमिसाइल नो लिखा हुआ आ रहा है और उन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो अगर अप टू 500-200 ऐसे लोग हैं जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, उन्होंने अप्लाई कर रखा है, आगे भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट अगर आप काउंट करोगे तो काउंसलिंग के समय अगर वो डोमिसाइल प्रेजेंट कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स चेंज हो सकता है, अदरवाइज चांसेस इसके कम हैं। थैंक यू।